शहजादा शहजादा। नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज डिग्गी। मेरा नाम है प्राची। अभी मैं मौजूद हूँ गैलेक्सी सिनेमा के बाहर। आज रिलीज हुई है कार्तिक आर्यन की शहजादा मूवी। पठान का क्रेज अभी लोगों के सर से उतरा नहीं है, तो अब देखना होगा कि शहजादा का क्रेज उनके दिमागों पर और उनके दिल पर कितना चढ़ पाएगा। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ, लोगों से पूछेंगे कि उन्हें कैसी लगी मूवी। आपका नाम? मोहित। कैसी लगी मूवी शहजादा? मतलब इतनी कुछ खास नहीं, स्टोरी नहीं। कार्तिक आर्यन की एक्टिंग ठीक है। तो क्या लगता है इस मूवी में, रीमेक है ये तेलुगु मूवी? मतलब स्टोरी में दम नहीं थी, स्टोरी में दम नहीं है, बोरिंग सी। कोई भी अच्छा एक्स फैक्टर लगा हो मूवी में, एक आदमी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, बोरिंग। कितने स्टार देंगे मूवी को? दो स्टार। मैम, शहजादा मूवी देखी है, कैसी लगी? काफी अच्छी थी, काफी अच्छी थी जी। किसकी एक्टिंग बेस्ट लगी इसमें? सबकी अच्छी थी, सबकी अच्छी थी। यस, जैसे बताया जा रहा है मास एंटरटेनर है, तो लगी मैम आपको कि हाँ अच्छी फैमिली और फैमिली के साथ देख सकते हैं, कॉमेडी मूवी है? हाँ अच्छी लगी, सब कुछ था उसमें, हाँ फैमिली का। लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि अगर तुम फ्रेंड या फैमिली के साथ आने के लिए देखने आए हो ना, तो एक माहौल है कि तुम एंजॉय कर सकते हो। यस, तेलुगु मूवी अल्लाह वैकुंठपुरम अल्लू की रीमेक है ये, जिसमें अर्जुन, अल्लू अर्जुन, आपको नहीं पता उसका? अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसके बाद तो ये मूवी बहुत अच्छी लगने वाली है। ओके, तो क्या क्या इसमें एक्स फैक्टर था जो सबसे अलग था? पठान जैसे रिलीज हो गई है, तो पठान अगर चल रही है तो लोगों को क्या इसमें ऐसा एक्स फैक्टर मिले जो ये देखने जाए? सबसे बड़ी बात है कि फैमिली की, लोग कई बार ऐसे देखते हैं कि फैमिली के साथ नहीं देख पाते हैं। कुछ लोगों को ऐसे होता है कि मूवी देखना मतलब अरे क्या देखने के लिए आए हैं, बट ये मूवी इस तरीके से है कि तुम इंजॉय, तुम अगर अकेले आए हो देखने तो भी इंजॉय करोगे, विद फैमिली फ्रेंड्स भी आए हो तो भी इंजॉय करोगे। और कृति सैनन और उन सबकी एक्टिंग अच्छी लगी मैम आपको? अच्छी लगी, सही थी। पाँच में से कितने स्टार देंगे आप? पाँच में से पाँच दे दूंगी मैम। और मैम आप कितने देंगे? 5 out of 5। थैंक यू सो मच मैम। हम करने तो आए थे शहजादा का रिव्यू, लेकिन यहाँ पर इस थिएटर पर लोगों की इतनी कम भीड़ मिली कि रिव्यू हो ही नहीं पाया। दो तीन बाइटी मिली हैं, उनमें से ही हम आपको पूरी समरी बता देते हैं, क्योंकि आज ही मार्वल स्टूडियोज़ की एंटमैन एंड वास्प भी रिलीज हुई है, और पठान जो 25 जनवरी से चलती हुई आ रही है, उसका क्रेज़ तो अभी तक लोगों के सरों से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। 1000 करोड़ जो है ऑल ओवर क्रॉस करने वाली है, और 500 करोड़ की पहली बॉलीवुड मूवी बन चुकी है। शहजादा की अगर हम बात करें तो शहजादा पहले 10 फरवरी को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन जब पठान का क्रेज देखा इसके फिल्म मेकर्स ने, तो उन्होंने इसको आज रिलीज करने की सोची, यानी कि 17 फरवरी को। और आज भी जब रिलीज हुई है तो इसको ऑक्यूपेंसी बहुत कम मिल रही है, कुछ ही थिएटर्स में इसका लिमिटेड शो लगाए गए हैं, और लिमिटेड शो में भी ऑक्यूपेंसी उतनी नहीं है, क्योंकि एक तो ये मूवी तेलुगु मूवी अल्ला वैकुंठपुरम अल्लू, जो कि अल्लू अर्जुन की मूवी है, उसकी रीमेक है, तो अगर किसी ने वो मूवी देखी हुई है तो इसको देखने क्यों ही आएंगे लोग। और वहीं पर अगर हम बात करें तो इसे डायरेक्ट किया है रोहित धवन ने, तो रोहित धवन की डायरेक्शन में भी लोगों को कमी लगी। और यहाँ जब हमने लोगों से बात करी तो उन्होंने कुछ ने बताया कि मास एंटरटेनर है, दो लोगों ने बोला, और वहीं एक को ये मूवी ठीक ठीक लगी, एवरेज लगी। तो यहीं पर मैं अपना इसका रिव्यू खत्म करती हूँ, क्योंकि इस मूवी, ये मूवी मास एंटरटेनर जरूर है, लेकिन पठान के साथ इसका जब क्लैश हो रहा है तो इसकी वजह से इस मूवी को थोड़े से कम नंबर देखने को जरूर मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं प्राची, न्यूज डिगी।